तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर या फिर सर्ज सर्ज डाइवर्टर। ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर को और क्या कहते हैं हम, सर्ज डाइवर्टर भी कहते हैं। तो देखो आपका लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर आर ऑल्सो नोन एज अ सर्ज डाइवर्टर और सर्ज अरेस्टर। ठीक है, आपके सर्ज वोल्टेज को डाइवर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक अरेस्टर यूज करते हैं, राइट। तो देखो ये क्या होता है, ये कहां कनेक्टेड होता है, दे आर कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड द ग्राउंड एट द सब स्टेशन। ठीक है, ये क्या होता है, जिस लाइन को आपको प्रोटेक्ट करना है और ये ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमेशा क्या होता है कि जिस इक्विपमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसके ये पैरेलली कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑलवेज एक्ट इन अ शंट विद द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। ये शंट में लगा होता है, मतलब पैरेलली लगा होता है जिस इक्विपमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करता है, इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ लो इम्पीडेंस पाथ फॉर द सर्ज करंट। ठीक है, आपका जो भी सर्ज करंट वगैरह आता है उसे क्या करता है, ये लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका करंट क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो, मतलब जिधर आप करंट किधर फ्लो करता है, जिधर लो रेजिस्टेंस पाथ होते पाथ मिलता है उसे उधर फ्लो करता है। ठीक है, तो आपका जो ये लाइटनिंग अरेस्टर या फिर सर्ज डाइवर्टर है, उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड अ लो इम्पीडेंस पाथ फॉर द सर्ज करंट, सो दैट द सर्ज जो भी आपका जो भी सर्ज अरेस्टर है, सर्ज अरेस्टर है वो क्या कर सके, आपके जो भी जो करंट है उसे आपके ग्राउंड में फ्लो करवा दे और आपका जो इक्विपमेंट है उसे क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेन पर्पज क्या होता है लाइटनिंग अरेस्टर का, मेन पर्पज क्या होता है, टू डाइवर्ट एंड डिस्चार्ज द सर्ज टू द ग्राउंड। ये क्या करता है, जो भी आपका सर्ज आता है, जो भी आपके ओवर वोल्टेज या करंट वगैरह आते हैं, तो वो क्या करता है, किधर डाइवर्ट कर देता है, ग्राउंड की ओर उसे डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपका वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सर्ज डाइवर्टर का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि आपका जो भी सर्ज है वो कहाँ, अगर वो क्या होता है, ट्रेवल करके वो कहाँ पहुंचता है, आपके सर्ज अरेस्टर डाइवर्टर तक पहुंचता है, तो क्या होता है, वो वहां पे क्या होता है कि स्पार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका क्या हुआ, सर्ज जो वोल्टेज है ट्रेवल करके यहां तक पहुंचा, तो यहां पे क्या होगा, एक ये इनिशियल पीक, इसे क्या होता है, इनिशियल पीक है, तो यहां पे जब पहुंचता है तो क्या होता है, एक स्पार्क होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो स्पार्क होता है ना यहाँ पे, वो क्या प्रोवाइड करता है, लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है फॉर अ सर्ज करंट। ठीक है, वो सर्ज करंट के लिए क्या करता है, लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो देखो करंट फ्लो थ्रू द करंट फ्लोइंग टू द ग्राउंड थ्रू अ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ लाइन लिमिटेड एम्पलीट्यूड ऑफ ओवर वोल्टेजेस कॉजेज द लाइन एंड ग्राउंड इज नोन एज causes across the line and ground is known as residual voltage। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही आपका करंट, मतलब जो भी आपका जो सर्ज होगा वो क्या होगा, फ्लो करेगा, और जैसे ही आपका डाइवर्टर तक पहुंचेगा, आपका सर्ज डाइवर्टर तक, तो क्या होता है, यहाँ पे एक स्पार्क होता है एट द सर्टेन फिक्स्ड वोल्टेज। ठीक है, कुछ फिक्स्ड वोल्टेज पे एक स्पार्क होगा, तो वो क्या हो करेगा, एक लो इम्पीडेंस पाथ आपको प्रोवाइड करेगा टू अ ग्राउंड फॉर अ सर्ज करंट। ठीक है, सर्ज करंट के लिए क्या करेगा, एक लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका करंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से फ्लो करके ग्राउंड, आपके ग्राउंड में चला जाएगा, राइट। और जो आपका वोल्टेज का एक वोल्टेज अपेयर होगा, आपके ओवर वोल्टेज अपेयर होगा लाइन और ग्राउंड के बीच में, उसको क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल वोल्टेज कहते हैं। कुछ समय के लिए एक वोल्टेज आपको मिलेगा लाइन और ग्राउंड के बीच में, उसे क्या कहेंगे, रेसिड्यूअल वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो आपका वोल्टेज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, रेसिड्यूअल वोल्टेज है, राइट। तो यहां से उसके बाद क्या हो जाता है, आपका जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो अगर हमने जो अगर लाइटनिंग अरेस्टर यूज किया, तो देखो वोल्टेज क्या, वोल्टेज लेवल कम है। अगर हमने लाइटनिंग अरेस्टर नहीं यूज किया होता है तो वोल्टेज लेवल ये होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है, मेन पर्पस होता है आपके लाइटनिंग अरेस्टर का, राइट। अब देखो जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर है, आइडियली आपका लाइटनिंग अरेस्टर कैसा होना चाहिए, तो देखो इट शुड नॉट ड्रॉन एनी करंट एट द नॉर्मल पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। ठीक है, अगर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, ये क्या होना चाहिए, सिस्टम से कोई करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए। ठीक है,
आइडियली ऐसा ही होना चाहिए ना कि अगर मान लो कि आपका कोई भी फॉल्ट नहीं आया है तो क्या होना चाहिए, सिस्टम का करंट ये ड्रॉ ना करें, ठीक है। सेकेंड क्या होना चाहिए, इट शुड ब्रेक डाउन वेरी क्विकली व्हेन द एबनॉर्मल ट्रांजिएंट वोल्टेज अबव इट्स ब्रेकडाउन वैल्यू अपीयर, ठीक है। क्या होता है कि अगर कोई भी बहुत हाई लेवल का ट्रांजिएंट वोल्टेज अगर कुछ अपीयर होता है इसके अक्रॉस, आपके लाइटनिंग अरेस्टर के अक्रॉस, तो क्या होना चाहिए, जो इंसुलेशन है इसका ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, ताकि क्या हो सके, इसे लो इम्पीडेंस पाथ मिल सके और वो ग्राउंड में डिस्चार्ज हो सके, ठीक है, समझ गए। अगर मान लो कि अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्विपमेंट है वो जल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ब्रेक डाउन वेरी क्विकली व्हेन द एबनॉर्मल ट्रांजिएंट वोल्टेज अबव इट्स ब्रेक डाउन वैल्यू अपीयर, ठीक है। तो ताकि क्या हो सके, इसे लो इम्पीडेंस पाथ मिल सके और वहां से ये डिस्चार्ज हो सके, ठीक है, समझ गए। देखो और देखो, जो डिस्चार्ज करंट होना चाहिए आफ्टर ब्रेकडाउन, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतना एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपका खुद का जो सर्ज डाइवर्टर है वो खुद ही आपका डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मान लो कि वोल्टेज जो भी आपका सर्टेन अमाउंट पे, आप सर्टेन जो करंट पे आपका ये जो भी है इसका वो ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका जो करंट, जो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट होगा वो क्या कर देगा, आपके डाइवर्टर को ही बर्न आउट कर देगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जो डिस्चार्ज करंट होना चाहिए आफ्टर ब्रेकडाउन, कि आपके जो सर्ज डाइवर्टर है उसे ही वो खराब कर, डैमेज कर दे, ठीक है। तो ये क्या था, आपका लाइटनिंग अरेस्टर था। जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है।